एरिया ऑफ एन आई ट्रगल टू सेंटीमीटर एंड देंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइज फोर सेंटीमीटर देखो आइसोसेलेस बोला है हमें पता है दो साइड्स इक्वल होती हैं सो दो इक्वल साइड्स फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर की और जो बेस है वो टू सेंटीमीटर का है सो यहाँ पे हमें तीन साइड्स मिल गई लेट्स सपोज ए टू हो गया बी हमारा फोर हो गया और सी हमारा फोर हो गया क्योंकि ये इक्वल साइड है दो हो गए ना अब हमें सिंपली पूरे मोस्टली स्टैपर में ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन जहां देखना पड़ेगा वहाँ पे नॉर्मल ट्राइंगल का फॉर्मूला इक्विलेटेड ट्राइंगल का फार्मूला लगेगा बट जैसे जैसे क्वेश्चन पे आएंगे वी डिस्कस दैट तो यहाँ पे अभी ये मिल गया हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर विच इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू ठीक है जी सो टू प्लस फोर प्लस फोर अपॉन में टू ये हो जाएगा फोर प्लस फोर इज एट प्लस टू टेन अपॉन टू मतलब फाइव ठीक है एस हमारे पास फाइव आ गया ना हो एरिया हमें पता है एरिया का फॉर्मूला आई होप आपको अच्छे से अब याद हो गया हो अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी वैल्यूज पुट करते हैं एस अभी हमने निकाला फाइव है फाइव माइनस टू देन फाइव माइनस फोर एंड देन फाइव माइनस फोर के सो ये हमारे पास बचा दिस इज फाइव एंड देन मल्टीप्लाई फाइव में से टू माइनस करेंगे थ्री बचा फाइव माइनस फोर इज वन अगेन फाइव माइनस फोर इज वन सो अंडर रूट में तो one ही हो जाएगा बचा अब इसको हम रूट से बाहर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई भी पैर नहीं है सो दैट मीन्स अंडर रूट फिफ्टीन देख लो फर्स्ट पार्ट ही है हमारा अंडर रूट फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर सो ये हो गया इसका एरिया ठीक है सिंपल क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन अगेन

एरिया हमें दे दिया कि एट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है द लेंथ ऑफ इट्स अब हमें निकालना है दे तो हमें कुछ भी नहीं रखा लेट तो जाएगा करेक्ट वाई बिकॉज दोनों सेम है से से दो साइड तो सेम होंगी हाइपोटे बड़ी होती है लॉन्गेस्ट होती है उसको छोड़ दिया हमने नाउ एरिया हमें पता है हाफ बेस इन हाइट भी होता है ठीक है so, सो यहाँ पे अगर मैं हाइट निकाल लू क्योंकि देखो बेस और हाइट बेस भी ए है हाइट भी ए है सो ये हो गया जी वन अपॉइंट टू इन टू एंटू एक्स टू एट सो ये हो गया जी ए स्क्वायर इक्वल टू एट यहाँ पे डिवाइड हो रहे जाके मल्टीप्लाई होगा एम सिक्सटीन लेकिन ये वैल्यू है ए स्क्वायर की ए हमारा हो जाएगा अंडर रूट में सिक्सटीन मतलब फोर सेंटीमीटर सो मतलब इसकी हाइट फोर आ गई बेस बी फोर तो आ गया हमारे पास हाइट कह लो पर्पेंडिकुलर कह लो एक ही बात है दोनों हमारे पास फोर आ गए हम ये निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता है का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ठीक है जी हाइपोटेन्युअस निकालनी है हमें ये लिख लिया हमने एच स्क्वायर परपेंडिकुलर फोर है फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर सो फोर स्क्वायर इज सिक्स प्लस अगेन फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन थर्टी 16 16, 32 ये है हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी अंडर रूट में थर्टी टू ठीक है अब इसको चाहो तो आप आगे फर्दर करके इसके पैर बना के निकाल सकते हो लेकिन आंसर्स हमें देखने हैं क्योंकि ऐसे अंडर रूट में ही दे रखा है तो ये हो गया थर्टी टू आंसर ठीक है जी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं

अपॉन plus plus में 2. सेमी perimeter निकाल रहे हैं सो ये हो जाएगा 2, 3, 4. एंड देन ये हो गया जी हमारे पास टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन टू टू सिक्सटी फोर अपॉन में टू विच विल्स एंड टू टू जो वन 4. 132 आ गया तो जी हमारा एरिया हो गया अंडर रूट में

मल्टीप्लाई में वन थर्टी टू में से वन ट्वेंटी टू गया टू में से टू गया जीरो थ्री में से टू गया वन वन में से वन गया जीरो इन टू वन थर्टी टू में से ट्वेंटी टू गया टू में से टू गया जीरो थ्री में से टू गया वन एंड वन में से जीरो गया वन मल्टीप्लाई अगेन वन थर्टी टू माइनस वन ट्वेंटी टू टू में से जीरो गया टू थ्री में से टू माइनस किया वन वन में से वन गया ज़ीरो ओके जी सो ये हो गया 132 के प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 132 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें टू के टेबल से स्टार्ट करते हैं 6 टू 12 अगेन 12 6 से होगा टू से हो सकता है 3 3 से किया 11 ठीक है तो पेयर्स हमारे क्या आए पेयर कह लो ये इसको प्राइम फैक्टराइज करके आया 2 2 3 11 देन टेन को मैं एज इट इज लिख रही हूँ वैसे फाइव इंटू टू भी लिख सकते हो बट यहाँ पे मुझे टेन ही रहा है इसको मैं इलेवन इंटू टेन लिख दूंगी तो मेरे पास टेन का पेयर आ जाएगा इसी तरह से ट्वेल्व 12 है 12 को आई कैन राइट ठीक है नेक्स्ट है जी आप देखो पेयर कौन सा बन रहा है टू का पेयर बन रहा है टू बाहर आ गया देन हमारा अगेन एक और टू का पेयर बन रहा है फिर से टू बाहर आ गया थ्री का पेयर बन रहा है थ्री बाहर आ गया इलेवन का पैर बन रहा है इलेवन बाहर आ गया टेन का पैर बन रहा है टेन बाहर आ गया तो देखो क्या बचा हमारे पास थ्री टू 6, 6 इसको फिर से लिख देती हूँ टू नाउ इलेवन इंटू टेन वन हंड्रेड एंड टेन तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं वन वन जीरो लगा लेना टू वन जो अगेन हो गया थर्टी टू और साथ में जीरो अब देख लो इसमें से कहाँ पे है ये वन थ्री टू जीरो आंसर ठीक है so this जी सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, fourth question है The sides of a triangle are 35 cm, 54 cm and 61 cm. The length of its longest altitude is. अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल की तीनों sides दे रखिये हमसे पूछा क्या है longest altitude basically height निकालनी है आपको ट्राइंगल की So क्या करेंगे पहले तो इन sides की help से area निकाल लेंगे Then जो हमारा area ऑफ ट्राएंगल का basic formula है उसको use करके हम height निकाल लेंगे one by one करते हैं A हो गया हमारा थर्टी फाइव बी हो गया हमारा फिफ्टी फोर सी हो गया हमारा 61, S हो गया जी थर्टी फाइव प्लस अपॉन में टू सो इसको ऐड कर लेते हैं फाइव सिक्स टेन जीरो सो में आ गया. सो वी हैव 150 टू इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 75 ठीक है जी एस आ गया एरिया निकाल लेते हैं सेमी पेरिमीटर हमारे पास है डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं एस मतलब 75 देन 75 35 देन वी हैव 75 54 देन वी हैव 75 61 ठीक है जी यहां पे सॉल्व करते हैं इसको अब 75 को तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा ये हो गया 75 माइनस करते थर्टी फाइव फाइव में से फाइव गया जीरो सेवन में से फाइव सेवन में से थ्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया फोर देन वी सेवनटी फाइव में से फिफ्टी फोर करना है Now, 75 को देखो 75 को आई कैन राइट फिफ्टीन इन फाइव होता है फाइव तो प्राइम नंबर है आई कैन राइट सिंपल फोर इंटू टेन टेन और फोर दोनों प्राइम नंबर नहीं है फोर को फर्दर लिख सकते हैं टू इंटू टू और टेन को फर्दर लिख सकते हैं फाइव इंटू टू सो ये आ गया जी टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू टू नेक्स्ट है हमारे पास ट्वेंटी वन सिंपल सेवन इंटू थ्री फोर्टीन को सेवन इंटू टू क्लियर अब देखो किस किस का पैर बन रहा है फाइव का पैर बन रहा है फाइव बाहर आ गया थ्री का पैर बन रहा है थ्री बाहर आ गया देन टू का पैर बन रहा है टू बाहर आ गया इस फाइव का कोई पैर नहीं है टू का एक और पैर बन रहा है बाहर आ गया सेवन का पैर बन रहा है सेवन बाहर आ गया अंदर क्या बचा सिर्फ एक फाइव, बाहर वाले प्लस कर लेते ठीक है सेवन जी अंडर रूट में फाइव तो ये हो गया जी फोर्टीन थ्री फोर्टी टू साथीरो निकालना क्या है एरिया नहीं हाइट निकालनी है हमें ये पार्ट में रब कर रही हूँ सो so, जी यहाँ पे अगर मुझे हाइट निकालनी है सो so, सिंपल मुझे पता है एरिया होता है बेस हाइट ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है तो हमारा एरिया भी हमने निकाला 420 ट्वेंटी अंडर रूट फाइव इक्वल्स टू हाफ बेस कितना है 35 ले लेते हैं ए जो है हमारा हाइट ये हमें निकालनी है अब देखो यहाँ पे है फोर ट्वेंटी रूट फाइव टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में थर्टी फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये हो जाएगा ये जा हो जाएगा फाइव इंटू एट फोर्टी ट्वेंटी हो जाएगा फाइव इंटू फोर अब सेवन वन जा सेवन देन अगेन सेवन जा सेवन

सिंपल एरिया निकालना है साइड्स साइज दे रखे यूजली यहाँ पेरोन फॉर्मुला में ऐसी घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन है नहीं सो so, जी सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालते हैं में सो ये हमारा हो जाएगा थीके? अब यहाँ पे एरिया निकालते हैं एरिया हमारा हो गया अंडर रूट में देन 84 एटी 84, 56 देन 84 माइनस 60 देन 84 फोर माइनस क्लियर जी सो ये हो गया हमारा 84 एज इट इज लिखते हैं अभी यहाँ पे माइनस करना है फोर है 14 बन जाएगा 6

84 को अगर मैं करूं तो ये जी टू से होगा फोर टू अगेन टू से करते हैं टू वन थ्री से कर लेते हैं 7, 7, 1. So, यहां पे under root में आ गया. देखो क्या क्या आया टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन देन एट ट्वेंटी एट को तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ सेवन इंटू फोर लेकिन फोर को फर्दर टू इंटू टू सेवन आप भी कर सकते हो बाकी बड़े थर्टी टू प्राइम 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 है तो थर्टी टू हमारा होता है अगेन एट फोर झा थर्टी टू होता है एट को फर्दर कर सकते हैं फोर टू झा फोर को कर सकते हैं टू इंटू टू तो ये तो आ गए प्राइम नंबर्स फोर को अगेन टू इंटू टू तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बार आया फोर फाइव टाइम्स टू आ गया टू इंटू टू इस तरह से फाइव टाइम्स हमने टू बाहर आ गया थ्री का पैर बन गया यहाँ पे थ्री बाहर आ गया सेवन का पैर बना लिया सेवन बाहर आ गया अगेन एक और टू का पेयर मिल गया टू बाहर आ गया फिर से टू का पेयर है

सो so, पहले एस निकालते हैं, है, है। है, है, 60 60 60 है, है, तो ये हमारे पास आ गया एस है हमारा नाइनटी देन नाइनटी माइनस सिक्सटी अगेन नाइनटी माइनस सिक्सटी अगेन नाइनटी माइनस

बाहर आ जाएगा सो so, ये सब अंडर रूट में है थ्री का पैर बना थ्री बाहर टेन का पैर बना टेन बाहर थर्टी का पैर बना थर्टी बाहर अंडर रूप में बचा थ्री so, हो गया जी हंड्रेड नाएं, तो so, अंडर रूट थ्री ये तुम्हारी तो हमारी एनसीआर आई थिंक सो नाइन हंड्रेड अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर बी पार्ट इज दी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे ट्राइंगल आर इन दी रेशियो टू से होगा ट्वेल्व so एक्स हो गई एक साइड एक हो गई सेवेंटीन एक्स एक हो गई ट्वेंटी इन दिस केस पेरीमीटर गिवन है हमें तो जी पेरीमीटर हमारा क्या होता है सम ऑफ ऑल साइज मतलब टूएल्थ एक्स प्लस सेवेंटीन एक्स प्लस एंड पेरीमीटर कितना दे रखा है कर लो आ गया x की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन फिफ्टी फोर विच इज इक्वल टू टेन ठीक है x हमारा टेन आ गया तो साइज क्या होंगी साइज विल बी ट विच इज ट्व इन टू टेन मतलब सेवेंटीन इंटू टेन विच इज वन सेवेंटी देन है ट्वेंटी फाइव एक्स विच इज ट्वेंटी फाइव इंटू टेन सो दैट इज टू फिफ्टी ठीक है ये तीन साइड्स आ गए हमारे पास कॉल दिस ए बी एंड सी ठीक है जी अब निकालना है इसका एरिया सो एरिया हो जाएगा सेमी पेरीमीटर क्या है नहीं निकाला अभी हमने कहा निकाले यहाँ पे निकाल लेते हैं एस हो जाएगा हमारा पेरीमीटर है फाइव फोर्टी में टू कर दो so be, टू के से करेंगे so so यहाँ पे आ गया टू सेवेंटी माइनस ए क्या है वन ट्वेंटी Then 270 minus B क्या है 170 and then 270 minus 250. अब करके इसको सॉल्व करते हैं पहले तो है टू सेवन एज इट इज दो माइनस करना है में में से 0 गया, 0, 7 में से गया करेंगे तो फाइव आ जाएगा टू में से वन गया वन नेक्स्ट टू सेवेंटी में से वन सेवेंटी करना है जीरो में से जीरो जीरो सेवन में सेवन गया जीरो एंड वन हंड्रेड आ गया टू में से 250 माइनस करना है जीरो में से जीरो गया जीरो सेवन में से फाइव गया टू एंड टू में से टू गया जीरो तो ट्वेंटी आ गया तो अब देखो यहां पे 270 सेवेंटी की अगर हम बात करें तो 27 जो होता है हमारा दैट इज नाइन इन थ्री करेक्ट थ्री एक प्राइम नंबर है नाइन को फर्दर मैं लिख सकती हूं थ्री इन टू सो ये हो जाएगा अंडर रूट में इसको फिर से बनाती हूँ मैं So, under root में है मेरे पास ट्वेंटी सेवन को किया है अभी मैंने so, 3 into 3 into 3, और साथ में टेन है 10 हो जाएगा 5 आ, 10. 150 की बात करें 5, 15, साथ में टेन है तो फाइव टू जा टेन नेक्स्ट है जी हंड्रेड को मैं डायरेक्ट टेन इंटू टेन लिख हूँ बेसिकली टेन का पैर तो मिल ही रहा है मुझे ट्वेंटी को आई कैन राइट टू इंटू टेन टेन अगेन टू जा आप पेयर्स बनाते हैं थ्री का पैर है थ्री बाहर आ गया थ्री का एक और पैर है थ्री बाहर आ गया का का है बाहर आ गया हमारे पास पैर है बाहर आ गया का एक और पैर है, है तो फाइव बाहर आ जाएगा देन वी हैव टेन बाहर आ गया इन टू टू का पैर एक और है टू आ गया ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करना है

the equal sides of an isosceles triangle are 12 cm and the perimeter is 30 cm the area of its triangle so hame isosceles triangle ki do sides de diye hain and hame perimeter bhi de diye dekho agar ye ek isosceles triangle hai and iski do sides hai aapke paas ye bhi 12 hai ye bhi 12 hai पहली बात तो perimeter की help से मैं ये निकाल सकती हूँ कैसे देखो perimeter हमारा होता है सम ऑफ ऑल साइड तो जी हमने मान लिया ये साइड है ए तो ये हो गया ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ए ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी दे रखा है थर्टी सो तो जी ए निकल जाएगा थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर सो थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर करेंगे ए की वैल्यू आ वा जाएगी हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी एक्वल्स टू सिक्स हो गया ये सो so, जी यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई तीनों साइड है अब एरिया निकालना आसान है बेसिकली वही है एरिया ही निकालना बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाता है सो so, इसको सीधा के लिख लेते हैं एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो एस हमारे पास क्या है निकालना नहीं है हमने सो टूवेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स अपॉन में टू सिंपल पेरीमीटर अपॉन टू भी कर सकते थे ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व एज ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थर्टी अपॉन टू विच इज फिफ्टी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं ये हो गया जी हमारे पास यहाँ पे बनाना पड़ेगा ये हो गया फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व अगेन फिफ्टीन माइनस टूवेल्व एंड फिफ्टीन माइनस सिक्सटीनो साइज ले लेना सो so ये आ गया जी अगेन अंडर रूट में रखे जा रहे हैं so सो अंडर रूट में फिफ्टीन है हमारे पास देन फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व एस टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन थ्री आ गया अगेन फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व एस थ्री फिफ्टीन माइनस सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन नाइन हो गया नाउ फर्दर फिफ्टीन को मैं लिख सकती हूँ फाइव इंटू थ्री इन टू थ्री इंटू थ्री नाइन को अगेन थ्री इंटू थ्री अब देखो पैर क्या बन रहे हैं थ्री का पैर बन रहा है बाहर आ गया थ्री का एक और पैर बन रहा है बाहर आ गया

ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल देख लो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 48 है और हाइपोटेन्यूस 50 है पहली बात तो पाइथागोरस क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरस ट्राइंगल से हम पेपेंडिकुलर निकाल लेंगे so now, का होता है पेपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सो so हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू तो पंडिकुलर हमें निकालना है बेस हमें दे रखा है सो so 50 का स्क्वायर 55 फाइव जो ट्वेंटी साथ में दो जीरो आ गई p स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा 48 एट इंटू करते हैं एट एट जो सिक्सटी फोर एट फोर जो 32, टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट देन जी एट फोर जो थर्टी टू अगेन सो ये हो गया थर्टी टू फोर 16, जो सिक्सटीन सेवन एट नाइनटीन सो so, ये आ गया फोर एट नाइन टेन नाइन टेन थर्टीन टू सो ये आ गया जी टू थ्री जीरो फोर अब यहाँ पे ये सारा तो हटा देते हैं हमें पी निकालना है तो मेरा पी स्क्वायर हो जाएगा इधर जाएगा तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से माइनस होगा ट्वेंटी थ्री जीरो फोर फिर से लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो सो so, जी किया माइनस ट्वेंटी थ्री जीरो फोर सो देखते हैं क्या आया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस टू थ्री जीरो फोर टेन में से फाइव गया सिक्स आ गया ये हो गया नाइन नाइन माइनस थ्री इज वन सो ये आ गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू वन नाइनटी सिक्स तो वन नाइनटी सिक्स हमारा पी क्या होगा अंडर रूट में वन नाइनटी सिक्स वन नाइनटी सिक्स होता है फोर्टीन का स्क्वायर सो फोर्टीन आ गया हमारा

थ्री थ्री सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर देख लो कौन सा ऑप्शन है सी पार्ट है सो दिस इज दंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विटेड ट्राइंगल है इक्विलेटल ट्राइंगल देखो जी अगर आप हीरोक्विल फॉर्मूला तो तो है एरिया ऑफ इक्विटल ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए फॉर्मूला है अंडर रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर ए क्या है साइड जो यहाँ पे अंडर रूट थ्री अपॉन फोर दे रखी सो जी ये हो गया अंडर रूट थ्री अपॉन फोर ए क्या है हमारा अगेन रूट थ्री अपॉन फोर दे रखा है इसका स्क्वायर तो ये तो जी एज इट इज आ गया यहाँ पे हो जाएगा so, जा, इसमें से कौन सा आंसर है थ्री रूट थ्री अपॉन सिक्सटी फोर सी पार्ट ठीक है सो ये था हमारा टेंथ क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे so question number eleven says the sides of a triangle are fifteen centimeters, seventeen centimeters, and eight centimeter. What is its area? Again, simple है यार तीनों sides दे रखे हैं area निकालना है a हो गया, b हो गया, c हो गया. सबसे पहले semi perimeter which is fifteen plus seventeen plus eight upon me two. तो ये हमारे पास हो गया seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. थर्ड important twenty six, twenty seven, eighteen, nineteen, जीरो टू आ गया ऊपर टू थ्री फोर फोर्टी अपॉन टू विच इज ट्वेंटी ठीक है जी सो so, हमारा एरिया हो गया अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी सो नाओ देखो जरा एस क्या है ट्वेंटी दिस विल बी ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी माइनस सेवेंटीन और ट्वेंटी माइनस 8. So, यहाँ पे आ गया हमारे पास ट्वेंटी ट्वेंटी में से एट गया ठीक है छोटे छोटे नंबर्स हैं वो तो इजी होता है ट्वेंटी को लिख सकती हूँ अगेन ट्वेल्व को आई कैन राइट फोर थ्री प्राइम है फोर को फर्दर लिख सकते हैं टू इंटू टू सो टू इंटू टू इंटू थ्री सो अब देखो पैर किसका बना टू का पैर बन गया टू बाहर आ गया फाइव का पैर बन गया फाइव बाहर आ गया थ्री का पैर बन गया थ्री बाहर आ गया और टू का पैर बन के 2 बाहर आ गया सो so, पे हमारे पास आ गया थ्री टू जिक्स सिक्स इंटू टेन इज सिक्स कौन सा है सी पार तो बहुत ही सिंपल ज्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्वेरियल ट्रायंगल इज देन व्हाट इज इट्स एरिया दे रखा है हमें ट्राइंगल इक्विलीटर मतलब तो होता है, है।, है, है। मतलब हो वैल्यू ट्वेंटी आ गई साइड मिल गई आपको अगेन इक्विटल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना चाहो वो लगा लेना अदरवाइज पूरा वो कर लो जो हम एस निकालते हैं एस क्या हो जाएगा पेरीमीटर सिक्सटी है अपॉन टू थर्टी हो गया अंडर रूट में हमारे पास आ गया एस है थर्टी देन थर्टी माइनस ट्वेंटी अगेन थर्टी माइनस ट्वेंटी अगेन थर्टी माइनस ट्वेंटी सो जी अंडर लिया ये आ गया थर्टी थर्टी में से ट्वेंटी माइनस किया टेन थर्टी में से ट्वेंटी माइनस किया टेन थर्टी में से ट्वेंटी माइनस किया टेन सो so ये हो गया जी हमारे पास थर्टी को फर्दर लिख सकते हैं हम थ्री इंटू टेन टेन क्यों छोड़ दिया मैंने क्योंकि आगे टेन मुझे दिख ही रहा है पेयर्स बन ही जाएंगे इसलिए सो so, ये आ गया जी टेन का पेयर टेन बाहर एक और टेन का पेयर टेन बाहर अंडर रूट में बचा सो so, ये हो गया 100 थी अंडर रूट थ्री आ गया हमारा आंसर कह लो एरिया कह लो देख लो कौन सा पार्ट है हंड्रेडर रूट थ्री इज सी पार्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थर्टीन क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एरिया थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर एस आप एक राइट एंगल ट्रा है जिसका बेस हमसे पूछा है हाइट कितनी दे रखी है 30 एरिया देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है सिंपल एरिया एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट थ्री हंड्रेड सो ये हो गया हाफ बेस हमें निकालना है हाइट हमें 30 दे रखी है कैंसिल हो जाएगा 15 हो गया 15 मल्टीप्लाई हो रहा है और जाके डिवाइड हो जाएगा

ट्राइंगल ठीक है ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है अब हमें इसका एरिया निकालना है सॉरी इसकी साइड निकालनी है फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर ठीक है जी एरिया दे रखा है नाइन अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू अंडर थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर सो अंडर रूट ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा एंड फोर यहाँ अपॉन में है, तो इधर जाके

जिसमें हमें बताया है कि साइज जो है सारी साइज सेम है हंड्रेड 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 और हंड्रेड अब बताया है कि उसका जो लॉन्गेस्ट हमारा क्या है डायगनल है दैट इज वन अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको जो भी उसका डायगोनल होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा तो किसी का भी एक का एरिया निकाल लेते हैं हम ट्राइंगल का निकाल सकते हैं ना तीनों साइड्स है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो एस हमारा होगा साइज क्या है हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस वन सिक्सटी अपॉन में टू सो ये आ गया जी थ्री सिक्सटी अपॉन टू ये हो जाएगा टू वन ज टू सिक्सटीन हो गया एट सा वन एट्टी हो गया सो so, यहाँ पे एस हो गया वन एटी ये हो गया जी वन एटी माइनस हंड्रेड देन वी हैव वन एटी माइनस हंड्रेड अगेन एंड एक साइड है वन एटी माइनस वन सिक्सटी सॉल्व करते हैं इसको ये तो हो गया वन एटी एज इट इज वन एट्टी में से हंड्रेड गया एट्टी अगेन वन एटी माइनस हंड्रेड इज एट्टी वन एटी में से वन सिक्सटी गया जीरो में से जीरो गया जीरो एट में सिक्स गया टू वन एट सेवन गया जीरो ट्वेंटी आ गया अब इसके बनाते हैं हम पेयर एटीन इंटू टेन वन एट्टी की अगर हम बात करें तो ये होता है एटीन इंटू टेन एटीन को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 3 3. So, अगर आपको इस वाले में कंफ्यूजन होती है आप सिंपल प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो एट्टी इंटू 80 छेड़ने की जरूरत ही नहीं एट्टी का पैर बना ही हुआ है उसको as it is लिख देते हैं देन है जी ट्वेंटी टू इंटू टेन की जगह हो गया टेन को भी लिख देते हैं फाइव इंटू टू ठीक है अब देखते हैं पैर है? है, बन रहा है फाइव बाहर आ गया एट्टी का पैर बन रहा है एट्टी बाहर आ गया टू का पैर बन रहा है टू बाहर, बाहर आ गया सारे रूप से बाहर आ गए थ्री टू से थर्टी थर्टी इंटू टू इज सिक्स इंटू एट्टी हो गया सिक्स एट सा फोर्टी एट सात दो एट हंड्रेड आंसर है अब यहां पे फोर्टी एट हंड्रेड ट्राइंगल का एरिया है हमें पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है ये रब कर रही हूं मैं so, जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स सेम है मान लो इसका जो एरिया है वो भी फोर्टी एट हंड्रेड आ गया इसका एरिया भी

अब निकालनी है के लिए पहले हमें इसका पूरे का एरिया पता होना चाहिए एंड देन हम कॉस्ट निकाल सकते सबसे पहले एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जी सो so, ये हो जाएगा एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी सो ये हो गया ट्वेंटी फोर अपॉन टू मतलब ट्वेल्व ठीक है एस ट्वेल्व आ गया अब एरिया निकाल लेते हैं एरिया हमारा हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लू एस ट्वेल्व माइनस ए लेटल्व माइनस बी ये, A है, तो 6, 12 -B, ये ले लिया एंड ट्वेल्व माइनस टेन ठीक है जी सो so यहाँ पे हमारे पास आया ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस सिक्स इज सिक्स ट्वेल्व माइनस एट इज फोर ट्वेल्व माइनस टेन इज टू आप देखो इसके हम क्या बना सकते हैं फैक्टर्स 12 है, 4, 12 होते है, को 4, 4, को लिख सकते 2 into 3, 4 को लिख सकते है, 2 2 है. सकते हैं हैं है, तो तो। है, कुछ भी नहीं बचा थ्री टू झा सिक्स टू झा टूवेल्व ट्वेल्व टू झा टू फोर सो ये आ गया हमारे पास ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया अब हमें निकालना क्या है कॉस्ट निकालनी है सो so, देखो कॉस्ट ऑफ वन सेंटीमीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है नाइन पैसे ठीक है जी हमें निकालनी है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट तो so, वो हो जाएगा ट्वेंटी फोर नाइन सिंपल है ना सो ट्वेंटी फोर इंटू नाइन हमारा हो जाएगा नाइन फोर थर्टी सिक्स गया जी टू वन ये पैसे में आया है ठीक ना अब अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे वन रुपी में हंड्रेड पैसा होता है सो so ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा टू पॉइंट वन सिक्स ठीक है मतलब टू रुपीज सिक्सटीन पैसा अब आंसर देख लेते हैं

एक ट्राइंगल है हमारे पास आईसोसेलस्ट्राइंगल आइसोसेंगल में हमें पता है दो साइड इक्वल होती है अब वो कह रही है जो इक्वल साइज है, है, है तो ये जो इक्वल साइड है ये हाइट से टू सेंटीमीटर ज्यादा है क्वेश्चन में हाइट भी नहीं दे रखी तो ये तो चलो हम लेट कर लेंगे लेट हाइट इक्वल्स टू एच तो हाइट अगर एच है तो ये साइड क्या हुई एच प्लस टू और एच प्लस टू क्योंकि बोला है ना हाइट से दो सेंटीमीटर ज्यादा है क्लियर है यहाँ तक अब हमें जी निकालना है इसका एरिया तो पहले तो हम बेसिक फॉर्मूले से एरिया निकालते हैं सो एरिया हमारा हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट तो जी ये हो गया हाफ और जी बेस क्या हो गया हमारा गिवन है 12 हाइट हमने एच लेट करी हुई है टू से ट्वेल्व कैंसिल किया सिक्स आ हाँ गया ये आ गया सिक्स एच तो एरिया हमारे पास आ गया सिक्स एच एच की वैल्यू नहीं है अब एच की वैल्यू निकालने के लिए हम एरिया निकालेंगे से so, सो के लिए सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर चाहिए सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है सारी साइड्स एच प्लस टू प्लस एच प्लस टू और तीसरी साइड क्या है ट्वेल्व अपॉन में सो so, ये हो गया जी एच प्लस एच तो टू एच हो गया plus प्लस टू टू फोर प्लस ट्वेल्व अपॉन ये हो गया टू अब यहाँ पे टू ऊपर कॉमन ले लेती हूँ अपॉन में टू टू से टू कैंसिल तो हमारे पास आ गया एच प्लस ए सेमी पेरीमीटर आ गया अब हम यहाँ पे ये मैं रब कर रही हूं एरिया निकालते हैं सो so, हमारा एरिया होता है सेमी सेमीपेरीमीटर क्या है एच प्लस एट देन सेमीपेरीमीटर अगेन एच प्लस एट माइनस हमारा ए क्या था एच प्लस टू बी भी हमारा था एच प्लस टू और सी था हमारा टू ठीक है ना सो माइनस एच प्लस टू अब माइनस करोगे ब्रैकेट में लिखोगे एच भी माइनस का हो जाएगा टू भी माइनस का हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट स्टेप में सेम यही है एस माइनस बी तो बी भी हमारा सेम ही है लास्ट है जी एच सॉरी एस माइनस सी विच इज टू एल सॉल्व करते हैं इसको अंडर रूट में एच प्लस एट तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे देखो एच से एच कैंसिल प्लस का है माइनस का है देन एट माइनस टू इज सिक्स एंड अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम एच से एच कैंसिल सिक्स आ गया और अगर हम इसकी बात करें तो जी एच आएगा साथ में प्लस माइनस माइनस एट ट्वेल्व में से एट माइनस करेंगे तो एट नाइन टेन इलेवन टोर क्या ठीक है जी अब ये सिक्स का यहाँ पे पेयर है सिक्स तो आ जाएगा रूट से बाहर अंडर रूट में हमारे पास बचेगा एच प्लस एट एंड एच माइनस फोर ये बचा हमारे पास अंडर रूट में अब यहाँ पे देखो सिक्स और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर है हमारे पास ये भी एरिया है और ये भी एरिया लेट्स कॉल दिस फर्स्ट एंड लेट्स कॉल दिस सेकेंड अब यहां पे ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों एरिया है ये सिक्स है, है इधर भी सिक्स है तो दैट मीन्स ये जो हमारा एच है वो इस पूरे के इक्वल है सो फ्रॉम वन एंड टू आई कैन राइट एच इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट में एच प्लस एट एंड मल्टीप्लाई में एच माइनस फोर ठीक है अभी अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये इसके बार बार कह रही हूं मैं ध्यान से समझना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अब इससे क्या होगा ये हो गया एच का स्क्वायर इक्वल्स टू जब आप इस पूरे का स्क्वायर करोगे करके दिखाओ ये डायरेक्ट बता देती हूँ इस पूरे का स्क्वायर करोगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा ये आ जाएगा एच प्लस एट और ये आ गया एच माइनस फोर क्लियर यहां तक अब देखो आगे क्या करेंगे अब ये पता है दोनों हमारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एच पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर एट इन दोनों से सो so, जी हमारा एच स्क्वायर आ गया एच इन टू एच एच स्क्वायर प्लस एच इंटू फोर प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का सो so, जी एच इंटू फोर एच फोर एच प्लस एट इंटू एच एट एच माइनस प्लस माइनस माइनस एट फोर जटी टू सो ये आ गया जी हमारे पास पीछे ले चलते हैं इसको पहले मैं इसको यहाँ पे क्या है क्या कर लेते हैं चलो प्लस माइनस माइनस एट में से फोर माइनस किया फोर एच आ गया सो so, जी प्लस फोर एच एंड देन है माइनस थर्टी टू अब देखो जरा माइनस थर्टी टू को यहाँ रहने दू मैं और इसको अगर वहां भेज दू तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एच इक्वल्स टू थर्टी टू एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस फोर एच इक्वल्स टू माइनस थर्टी टू ये माइनस का था माइनस से माइनस कैंसिल एच मेरा आ जाएगा थर्टी टू अपॉन फोर हमारा हो जाएगा एट ठीक है जी एच की वैल्यू गई अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था एरिया हमें पता है सिक्स एच है सो so, जी एरिया इक्वल टू हो गया सिक्स एच विच इज सिक्स इन टू एट सिक्स एच या फोर्टी एट सो हमारा आंसर आ गया एरिया आ गया फोर्टी एट विच इज दी सी पार्ट सो देखो अभी तक हम बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है समझने वाली बात है कैलकुलेशन वाली बात है सो so, ये था हमारा सेवनटीन क्वेश्चन एटीन क्वेश्चन पे आती है सिम सेमी पेरीमीटर ऑफ स्केली ट्राइंगल स्केली ट्राइंगल क्या होता है जिसकी सारी साइड्स अलग होती हैं ऑफ साइड के टू के एंड थ्री के एस सिंपल सेमीपेरीमीटर निकालना है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सेमी सेमीपेरीमीटर हमारा क्या होता है सेमी सेमीपेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम अपॉन में टू सो यहाँ पे है के प्लस टू के प्लस थ्री के अपॉन में

एक ट्राइंगल बनाना था फाइव सिक्स फाइव यूनिट्स का बाय मिस्टेक ही मेड वन विद अब उसने गलती से फाइव एट फाइव इस यूनिट्स का बना दिया द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज अब इन दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा तो दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा उसके बाद ही डिफरेंस निकालेंगे सो so एरिया ऑफ ट्राइंगल वन क्या होगा अब इसके लिए अगेन पहले एस निकालना पड़ेगा साइज क्या क्या है फाइव प्लस सिक्स प्लस फाइव अपॉन में यहाँ पे put कर लेते हैं सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस करो सेमीपेरीमीटर में सेकेंड साइड माइनस करो एंड सेमी पेरीमीटर में से थर्ड साइड माइनस करो सो so ये आ गया जी हमारे पास एट एट माइनस फाइव इज फाइव सिक्स सेवन एट थ्री आ गया एट माइनस सिक्स टू एट माइनस फाइव

सेकेंड ट्राइंगल जो उन्होंने बाई मिस्टेक बनाया उसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा सो so, क्या है एरिया तो अच्छा, लिख चुकी हूं मैं सो so एरिया मेरा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में एस आ गया नाइन नाइन माइनस फाइव देन नाइन माइनस एट देस फाइव

अगेन देखो यहाँ पे भी इसका एरिया भी 12 आया है इसका एरिया भी 12 आया है तो दोनों का डिफरेंस क्या है अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालू तो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो मतलब दोनों का एरिया सेम है दैट मीन्स जीरो स्क्वायर यूनिट है उनके बीच का डिफरेंस तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर ओके जी नाइनटीन क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते ट्वेंटी है हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है गिव द प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल सॉरी गिवन इन दी प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल ऑफ अ रॉम्बस ए बी सी डी एक रॉम्बस है इसमें तो मैं नहीं भी बनाऊंगी फिगर तब भी कर सकते हो आप इसको ए बी सी डी ठीक है जी उसका हमें प्रोडक्ट दे रखा है डायग्नल का जो कि है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इट्स एरिया इज तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए एरिया ऑफ रॉम्बस हमारा होता है हाफ इंटू डाइगनल वन इंटू डाय निकालना चाहिए कैंसिल हो जाएगा टू वन जेड टू 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 जै फोर टू फाइव जेड टेन और साथ में जीरो सो so ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर ट्वेल्व फिफ्टी यहां देखोगाटी है so

14 चैप्टर मतलब स्टैटिस्टिक जो कि टर्म वन का लास्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यूस करेंगे सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन टेक केयर एंड बाय बाय